सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आप योनो SBI ऐप यूज करना चाहते हैं, अगर आप योनो SBI ऐप में जो है आप लॉगिन होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि योनो SBI ऐप में जो है आप कैसे लॉगिन हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको गूगल प्ले स्टोर से जो है आपको योनो SBI ऐप इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं SIM 1 और SIM 2। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर SIM 1 में है या SIM 2 में है, यानी कि आप जो मोबाइल नंबर जो है बैंक में रजिस्टर किए हैं वो मोबाइल नंबर जो है आपके मोबाइल के अंदर SIM 1 में है या SIM 2 में है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए मेरा SIM 1 में है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको थोड़ा देर टाइम लगेगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर चल रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट करना है, जो कि कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे सेकेंड चलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। जो भी अकाउंट नंबर से जो है आप योनो SBI ऐप यूज करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो है नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है इंटरनेट बैंकिंग का जो है आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है। अगर आपके पास जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक वीडियो का लिंक दे दिया हूं, उस वीडियो को देख करके जो है आप बहुत ही आसानी से जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जो है आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे OTP डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे OTP डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे, और यहाँ पे जो है आपको फिर से जो है एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 6 अंकों का जो है यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं 6 अंकों का जो है यहाँ पे पिन आपको सेट करना लिखा हुआ है, री इंटर न्यू पिन, यानी कि जो है आपको MPIN सेट करना है 6 अंकों का। तो आपको यहाँ पे जो है 6 अंक का जो है MPIN आपको सेट कर लेना है, जो आपको ज्यादा याद है वही आपको यहाँ पे जो है 6 अंक का पिन सेट करना है, क्योंकि अगर आप योनो SBI ऐप जो है बार बार लॉगिन करेंगे तो आपसे जो है यहाँ पे MPIN ही मांगा जाएगा। तो आपको ऐसा MPIN डालना है जो आपको ज्यादा याद रहता है, वही आपको यहाँ पे 6 अंकों का जो है MPIN सेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम MPIN सेट कर लेते हैं। MPIN सेट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि यहाँ पे जो है सक्सेसफुली जो है यहाँ पे मेरा जो है योनो SBI में रजिस्टर्ड हो चुका है, और यहाँ पे कंग्रेचुलेशन यहाँ पे लिख करके आ चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कट कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम योनो SBI में जो है सक्सेसफुली जो है लॉग इन हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे योनो SBI का जो है डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिख जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो फैसिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे मनी ट्रांसफर, FD अकाउंट, RD अकाउंट, बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है व्यू बैलेंस का ऑप्शन है, तो इस पे आप क्लिक करके जो अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे जो है अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे योनो पे का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको जो है योनो पे क्लिक करना है अगर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है क्विक ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप टू जो है 25,000 रुपया तक जो है इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्विक ट्रांसफर पे क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो है SBI बैंक का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे अदर बैंक का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप SBI अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप किसी अदर बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अदर बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे जो है आपको सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे जो है सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ATM डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, मैनेज पिन ब्लॉक, ये सब ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपने ATM को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने ATM को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद जो एक्टिवेट
SMS अलर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो अपने चेक को स्टॉप कर सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। सो इस तरीके से जो है आप योनो SBI में जो है लॉग इन हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।